अब देखो इसका तो अपने पास है मेटा मर मर का मतलब क्या होता है? मेटा मिस होता है बॉन्ड का ब्रेक होना। तीसरा अपने पास है मेटा मर। अच्छा ये समझते तुम लोग कि मोनोवालेंट क्या होता है, डाईवालेंट क्या होता है, ट्राईवालेंट क्या होता है? तुम बताओ भाई, समझदार इंसान। मोनोवैलेंट जो एक बॉन्ड बनाए, मतलब उसके बाद एक बॉन्ड बनाने के लिए एक ही और लगता है, और बाईवैलेंट उसमें दो ट्राईवैलेंट उसमें तीन हो, पॉलीवैलेंट उसमें तो चार हो, देखो ऐसे मेटामर होता वही है। शो करेगा जो या तो बाई वायलेंट हो या फिर ट्राई वायलेंट हो, या तो बाई वायलेंट हो या फिर ट्राई वायलेंट हो। बाई वायलेंट का एग्जाम्पल तुम्हारा ऑक्सीजन है, सल्फर है। देखो जैसे ये मान लो सी है, ये ओ सी सी सी, तो बाई वायलेंट मतलब ऑक्सीजन कितने से जुड़ा हुआ है? दो दो से। ऐसे सल्फर लिख लो, सल्फर एस सी 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 ये एस, सॉरी सी सी। वैसे नाइट्रोजन लिख लो, बोलो सी 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 भाई। अच्छा इसको ये बाइवेलेंट है कि ट्राइवेलेंट? ट्राई नाइट्रोजन। ट्राई ट्राई नाइट्रोजन ट्राई कम बताओ। वैलेंट नाइट्रोजन जब जितने कार्बन जुड़ता है वही उसको बाइलेंट बोलते हैं। एक जुड़ेगा तो मोनोवैलेंट, दो जुड़ा है कार्बन से तो इसको नहीं, क्या ऐसे बोलेंगे? हाइड्रोजन से भी तो जुड़ा है, हाइड्रोजन लेकिन बाइवेलेंट में ट्राई नहीं वैलेंट गिनते। अगर तीन कार्बन लगा देंगे तो वो तब बोलेंगे ट्राइवेलेंट। अच्छा जैसे एग्जाम्पल वो भी लिख लो भाई, सी 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 एन सी सी एन सी, ये क्या ट्राइवेलेंट हो गया? क्या हो गया? ट्राइवेलेंट। ये हो गया बाइवेलेंट। तो मेटामर के लिए या तो बाइवेलेंट हो या फिर क्या हो? ट्राइवेलेंट। मतलब अगर ये बाइवेलेंट है, नहीं समझा रहे बाइवेलेंट, तो इसका अगर आइसोमर बनाओगे ना आइसोमर बाइवेलेंट का, तो देखो ये बनेगा सी सी ओ सी सी, या फिर एक और बनेगा इस तरह से सी ओ सी ये सी ये सी। देखो मैं बता रहा हूं, इसका मतलब ये होगा कि इधर कितना कार्बन है तीन और उधर कितना था। एक क्या हम इसको, ये जो तीन कार्बन है इसको हम एल्किल ग्रुप बोल सकते हैं क्या? इस तरह से एल्किल ग्रुप, बोलो भाई एल्किल ग्रुप बोल सकते हैं। तो यहां देखो ऑक्सीजन भाई है ना ऑक्सीजन, लेकिन चेंजिंग किस चीज में हुआ? कार्बन एल्किल ग्रुप में। तो जब एल्किल ग्रुप में चेंज होगा तब तो उसे क्या बोलते हैं? विटामिन अब देखो ये भी उसी तरह का है, बस डिफरेंस क्या है कि यहां पे जो ये मेथॉक्सी ग्रुप है वो इस एक नंबर से अटैच है, और यहां पे वही मेथॉक्सी ग्रुप अब दो वाले नंबर से अटैच हो गया। तो एक दूसरे में क्या हो गया सब? मेटामर। देखो भाई भाई मेटामर का मतलब होता है कि वह कंपाउंड जिसमें एल्किल ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। यदि एल्किल ग्रुप डिफरेंट होगा तब वो क्या होगा? बेटा मेटामर। लेकिन अगर बाइवैलेंट होगा सिर्फ बाइवैलेंट ही होना चाहिए, यदि ट्राई है तो सिर्फ ट्राइवैलेंट ही होना चाहिए। अगर एक एग्जांपल जो है दोनों शो कर, जैसे ये वाला देखो ये बाइवैलेंट है ये ट्राइवैलेंट है, तब हम इसको मेटामर नहीं बोल सकते। तो ये हमारा हो जाएगा फंक्शनल आइसोमर। क्या हो जाएगा भाई? एक अगर बाइवैलेंट है दूसरा ट्राइवैलेंट है तब वो क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमर। अब एग्जांपल कीटोन का था, कीटोन जो तुम्हारा कीटोन होता है वो देखो ऐसे देखो, मान लो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इधर कितने कार्बन है? तीन आप दूसरा देखो अब कितने हो गए? तो अब ध्यान से दो हो किस पे चेंज हुआ, तो कार्बन ये किस तरह का इसमें हुआ? मेटामर लेकिन मेटामर तो हुआ, बट इसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन पोजीशन आइसोमर। ये तो ये ध्यान रखना कभी भी जो कीटोन है वो मेटामर शो नहीं करेगा, कीटोन जो है कभी भी मेटामर शो नहीं करेगा। ठीक है भाई, जो कोई कीटोन है वो कभी भी मेटामर नहीं शो करेगा। अगर आप कहो तो सेंस लिख दे कौन कौन मेटामर शो करेगा, समझ पा रहे हो? चलो तो क्या हो गया? मेटामर। अब देखो